हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की मिसलिनियस एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो हमने किया था चैप्टर नंबर 5 की, जो कौन सा था, लीनियर इनइक्वलिटी। उसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चैप्टर आज हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इनइक्वलिटी 2 < 3x - 4 < 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, x की। इक्वेशन क्या दे रखी है, 2 < 3x - 4 < 5। अब यहाँ से देखते हैं x का टर्म फाइंड करने के लिए, x के साथ में कौन है, माइनस का 4 नेगेटिव। और इस माइनस 4 को रिमूव करने के लिए इसके साथ में क्या होना चाहिए, प्लस का 4 ऐड होना चाहिए। तो एडिंग 4 बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करना है, आपको 4 को ऐड करना है। तो 2 + 4 < 3x - 4 + 4 ऐड कर लिया, < 5 एंड प्लस का 4, 2 + 4 = 6 < 3x, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 9। तो क्या रहेगा, 3 = 6 < 3x = 9। अब x के साथ में कौन है, 3 मल्टीप्लाई के अंदर, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। तो डिवाइडिंग 3 ऑल साइड, सबको किससे डिवाइड किया, 3 से। तो 6 / 3 < 3x / 3 = 9/3, 3 से 3 कैंसिल, इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स, इसको डिवाइड किया 3 टाइम्स। तो 2 > x = 3, जो x की वैल्यू है, और 2 और 3 की क्या होगी, बिटवीन। दैट x इज द रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 के इक्वल है और 2 के क्या है, लेस देन, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और 3 के क्या है, इक्वल और ग्रेटर देन। तो आंसर क्या होगा, 2 एंड 3, इक्वल का नंबर दे रखा है, इसलिए ब्रेकेट कौन सा, ये वाला यूज होगा, 2 इक्वल है और 2 लेस देन भी है, तो 2 के इक्वल है और 3 के इक्वल, नंबर क्या होगा, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इनइक्वलिटी 6 < -3 2x - 4 < 12। 6 < -3, माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 6x, और माइनस 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा, प्लस का 12 < 12। अब यहाँ पर x के साथ में कौन है, प्लस का 12, इसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे 12, सो सब्ट्रैक्टिंग 12th और साइड, सब टर्म में से 12 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, 6 - 12 < -6x, प्लस का 12 एंड -12 < 12 - 12। 6 - 12 - 6 < -6x और < 0। अब क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे सब टर्म्स को, डिवाइडिंग 6 ऑल साइड, -6 / 6 < = -6x / 6 < 0/6। 6 को इससे डिवाइड किया, -1 < -x और < 0। अब ये साइन आपको पता है, x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, x नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, सब सम को -1 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, साइन भी क्या हो जाएगा आपका चेंज, x को क्या करोगे, -1 * -1, ये लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन के अंदर, -1 - -x > -1 = 0। तो क्या रहेगा आपका, 1 > x > 0। तो x की जो वैल्यू है कहाँ से होगी, 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर देन और 0 के ग्रेटर, 0 < x > 1। x इज अ रियल नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0 एंड 0 और 1, क्या आंसर रहेगा, 0 के साथ में देखो, अब यहाँ 0 के साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ब्रेकेट कौन सा रहेगा, स्मॉल वाला, 0 एंड 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, -3 < 4 - 7x / 2 < 18। x के साथ में कौन सा टर्म है, 4, किसका है, पॉजिटिव का, इसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, माइनस का 4, -3 - 4 < 7x / 2 - 4 = 18 - 4, -3 and -4 - 7 = -7x / 2, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, < 18 - 4 कितना होता है आपका, 14। x के साथ में कौन है, 2 डिवाइड एंड 7 क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड को रिमूव करने क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 ऑल साइड, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से, तो -7 * 2 < -7x / 2 = 2 < 14 = 2,
2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 14 लेस देन इक्वल टू माइनस का 7x लेस देन इक्वल टू 28। 7 को रिमूव करने के लिए क्या करो, 7 को डिवाइड, डिवाइडिंग 7 ऑल साइड, माइनस 14 अपॉन 7 लेस देन इक्वल टू माइनस 7x अपॉन 7 और लेस देन इक्वल टू 28 अपॉन 7। 7 को 14 से डिवाइड करा, माइनस 2 टाइम्स लेस देन इक्वल टू माइनस x लेस देन इक्वल टू 14। एक्स का है नेगेटिव, इसको रिमूव करने के क्या करोगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू, साइन लेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन के अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का वन मल्टीप्लाई माइनस का एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई फोर, माइनस वन एंड माइनस टू टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटर इक्वल टू माइनस का फोर, तो माइनस फोर लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, तो एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस फोर एंड टू के क्या होगी बिटवीन, तो माइनस फोर एंड टू दोनों में इक्वल टू का साइन है इसलिए ब्रेकेट कौन सा रहेगा, क्लोज वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, माइनस 15 लेस देन 3 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0। 5 कहाँ आ रहा है, डिवाइड के अंदर, रिमूव करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 5 ऑल साइड, माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 लेस देन 5 मल्टीप्लाई 3 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 75 लेस देन 3 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। 3 कहाँ आ रहा है आपके, मल्टीप्लाई के अंदर, रिमूव करने क्या करोगे, डिवाइड, डिवाइडिंग 3 ऑल साइड, सबको किससे डिवाइड करते हैं 3 से, तो माइनस 75 अपॉन 3 लेस देन 3 एक्स माइनस 2 3 एक्स माइनस 2 डिवाइड में 3 लेस देन इक्वल टू 0 बाई 3। 3 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 25 लेस देन एक्स माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस में क्या आ रहा है 2, रिमूव करने क्या करोगे 2 को क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस, तो एडिंग 2 ऑल साइड, माइनस में 25 प्लस 2 लेस देन एक्स माइनस 2 और प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2, माइनस 25 प्लस 2 कितना होता है माइनस 23 लेस देन एक्स, 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 0 प्लस 2 कितना होता है 2, तो x की वैल्यू माइनस 23 और 2 के क्या होगी बिटवीन, तो x की वैल्यू क्या माइनस 23 एंड 2, जहां इक्वल टू होता है वहां पर ब्रेकेट क्लोज वाला, नहीं तो स्मॉल ब्रेकेट आपके यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 12 लेस देन 4 माइनस 3x अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 2। क्या करोगे, 4 क्या प्लस का है, रिमूव करने के क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 4, माइनस 12 माइनस 4 लेस देन 4 माइनस 3x अपॉन माइनस 5 माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, माइनस 12 एंड माइनस 4 माइनस का 16 लेस देन माइनस 3x अपॉन माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2, माइनस 16 माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6 3x अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। 5 को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, माइनस 16 मल्टीप्लाई 5 लेस देन 3x अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 16 5 जा माइनस का 80 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 10। अब 3 क्या करना है, 3 किस में है, मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड, डिवाइडिंग 3 ऑल साइड, 3 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो माइनस 80 अपॉन 3 लेस देन 3x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 10 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 80 अपॉन 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3, तो x की जो वैल्यू होगी किसके बिटवीन होगी, माइनस 80 अपॉन 3 और माइनस 10 अपॉन 3, ब्रेकेट यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो ब्रेकेट कौन सा हो जाएगा, क्लोज वाला, और यहाँ पर स्मॉल, तो माइनस 80 अपॉन 3 कॉमा माइनस 10 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा x के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11। 7 डिवाइड किस में है 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2 से, 7 मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके कैंसिल आउट, 7 2 जा 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। यहाँ पर एड में कौन है, प्लस का 11, क्या करोगे रिमूव करने के लिए माइनस 11, तो 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 11 और प्लस 11 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 22 माइनस का 11 यहाँ प्लस 11 और माइनस 11 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट,
14 माइनस 11 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल 22 माइनस 11 कितना रहेगा आपका 11। क्या करोगे 3 को डिवाइड, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 3x अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3। तो x की जो वैल्यू दोनों में इक्वल टू का साइन आएगा तो ब्रेकेट 3 एंड 11 अपॉन 3 ये क्या रहेगा आपका आंसर, 3 से 3 कैंसिल होगा क्या रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो भी आंसर आता है उसको ग्राफ के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर आपको क्या करना है सो सॉल्व। पहली इक्वेशन दे रही है 5x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 24, 5x माइनस 1 लेस देन 24, 5x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 24 प्लस है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा माइनस के अंदर, तो 5x ग्रेटर देन माइनस 24 माइनस का 1, 5x ग्रेटर देन माइनस का 25, 5 को क्या करो डिवाइड, 5 इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस 5 टाइम, तो x इज ग्रेटर देन माइनस का 5, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी माइनस 5 से ग्रेटर देन। सेकेंड इक्वेशन 5x माइनस 1 लेस देन 24 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्लस के अंदर, तो 24 प्लस 1 25, 5 को क्या करेंगे डिवाइड, तो x इज लेस देन 25 अपॉन 5, x इज लेस देन 5। यहाँ पर x ग्रेटर किस से है माइनस 5 से और x की वैल्यू लेस किस से है प्लस का 5, द ग्राफिकल x इज लेस देन 5 माइनस 5 से लेस देन ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में 5 से लेस देन 4 3 2 1 0 माइनस अप टू इनफाइनाइट तक, x की वैल्यू माइनस 5 से ग्रेटर देन तो माइनस 5 से ग्रेटर माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 अप टू इनफाइनाइट, इनके बिटवीन जो भी वैल्यू होगी माइनस 5 लेस देन x लेस देन 5, तो कौन कौन सी वैल्यू होगी देखें यहाँ से, यहाँ प्लस 5 आ गया और यहाँ पर कितना आएगा आपका माइनस 5, तो माइनस 5 और प्लस 5 के बिटवीन जो भी वैल्यू होगी माइनस 5 एंड प्लस 5 के बिटवीन जो भी वैल्यू होगी वो आंसर क्या होगा इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेम मेथड से हैं 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 5, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 2 माइनस x। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 5, ब्रेकेट ओपन करें 2x माइनस का 2 लेस देन x प्लस 5, x के टर्म वन साइड कॉन्स्टेंट नंबर वन साइड, 2x माइनस x लेस देन 5 प्लस 2, 2x माइनस x x और लेस देन 7, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 7 से लेस देन। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस का x, 3x प्लस 2 ब्रेकेट ओपन करोगे ग्रेटर देन क्या रहेगा 2 माइनस x, x के टर्म वन साइड तो 3x प्लस x ग्रेटर देन 2 माइनस 6, 3x प्लस x कितना होता है 4x ग्रेटर देन माइनस का 4, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 4 अपॉन 4 क्या रहेगा माइनस का 1, x इज ग्रेटर देन माइनस का 1, x इज लेस देन 7 और x इज ग्रेटर देन माइनस का 1। फर्स्ट इक्वेशन x इज लेस देन माइनस 7, x की वैल्यू माइनस 7 से लेस होगी तो माइनस 7 से लेस ये वैल्यू माइनस 6 सॉरी 6 5 4 अप टू इनफाइनाइट तक, x की वैल्यू माइनस 1 से ग्रेटर देन तो माइनस 1 से ग्रेटर वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इन दोनों के बिटवीन वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस 7 से लेस और माइनस 1 से कम, इन दोनों के जो बिटवीन वैल्यू होगी माइनस 1 एंड प्लस 7 के बिटवीन वैल्यू ये वाली, ये आपका क्या रहेगा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन इक्वेशन 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 6, सेकेंड इक्वेशन 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 ब्रेकेट x माइनस का 6, ब्रेकेट को ओपन करोगे तो 2x माइनस क्या रहेगा 12, x के टर्म वन साइड तो 3x माइनस का 2x और ग्रेटर देन माइनस 12 और प्लस का क्या रहेगा 7, 3x माइनस 2x x ग्रेटर देन माइनस 12 प्लस 7 5, तो x की जो वैल्यू होगी माइनस 5 से क्या होगी ग्रेटर देन। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस x ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, तो माइनस का x माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस के 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 6, माइनस x प्लस 2x प्लस का x 11 माइनस 6 क्या रहेगा 5, x की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन, फर्स्ट x इज ग्रेटर देन 5 और सेकेंड x इज लेस देन माइनस 5, x इज ग्रेटर देन 5 के अंदर क्या रहेगा ये वैल्यू आप देखो और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करते हैं इनके बिटवीन जो भी वैल्यू होगी वो क्या रहेगी आपकी 6 5 माइनस 6 माइनस 5 लगाकर 5, 5
और -5 के बिटवीन जो भी वैल्यू होगी वो इक्वेशन का क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन 5, 2x माइनस 7 माइनस 3, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। 5 टू जा 10x, 5 7 जा माइनस 35, 3 टू जा माइनस का 6x और माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0। 10x माइनस 6x 4x माइनस 35 और 9 माइनस का 44। 4 क्या ले सकते हैं, कॉमन। 4 को कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर, 4 को रिमूव करें, क्या 11 माइनस एक्स माइनस का 11, एक्स माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा आपका 11। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 11 से लेस देन और इक्वल टू। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47, 2x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 47 माइनस का 19, 2x माइनस 6x माइनस का 4x, 47 माइनस 19 28, किसका, प्लस का। माइनस 4 को रिमूव करें, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड, माइनस का एक्स लेस देन इक्वल टू 28 अपॉन 4, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा 7, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन, तो माइनस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, और साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 7। तो एक्स की जो वैल्यू हो क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 7। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11 और सेकेंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7। फर्स्ट है लेस देन इक्वल टू 11, 11 से लेस देन, 11 से कम वैल्यू, ये 10, 9, 10 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक, और एक्स की वैल्यू माइनस 7 से ग्रेटर देन, तो माइनस 7 से ग्रेटर ये अप टू इनफाइनाइट, इनके बिटवीन वैल्यू लास्ट कौन सा नंबर है, पॉजिटिव 11 और नेगेटिव कितना होना चाहिए, माइनस 7। तो नेगेटिव 7 और पॉजिटिव 11 के बिटवीन जो भी वैल्यू होगी वो होगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा, मेथड बहुत सारे होते हैं, अपन कोई भी एक मेथड जरूरत नहीं है। फर्स्ट है, सॉल्यूशन इज टू बी कैप्ट बिटवीन 68 डिग्री फॉरेनहाइट एंड 77 डिग्री फॉरेनहाइट। एक सॉल्यूशन है जिसको 68 डिग्री फॉरेनहाइट और 77 डिग्री फॉरेनहाइट के बिटवीन रखा गया है। व्हाट इज द रेंज, इसकी रेंज बतानी है, टेम्परेचर एंड डिग्री, डिग्री के अंदर क्या रेंज होगी। इफ द सेल्सियस फॉरेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला, दोनों को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32। एफ की वैल्यू दे रखी है 9/5c + 32, तो एफ पुटिंग, एफ को क्या पुट किया 68, एफ की जगह कितना पुट करेंगे हम 68, तो 68 इज इक्वल टू 9/5c + 32। 32 प्लस को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 68 माइनस 32 9/5c, दोनों को माइनस करा 36 9/5c, 5 किस में जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर और 9 डिवाइड के अंदर, तो c इज इक्वल 36, 5/9, इसको डिवाइड करा 4 टाइम, 4 5 20, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। सेकेंड x की जगह कितना पुट करेंगे हम 77, तो 77 इज इक्वल टू 9/5c + 32, 32 को क्या करेंगे माइनस, तो 77 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c, माइनस करा 45 इज इक्वल टू 9/5c, 5 को इससे डिवाइड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड के अंदर, तो c इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5/9 डिवाइड करा 5 टाइम, 5 5 जा 25, तो c की दो रेंज हो गई 20 एंड 25, 20 लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू 25, तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा वो 20 और 25 के क्या होगा, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूट बाय द एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। 8% बोरिक एसिड के अंदर 2% डाइल्यूट बोरिक एसिड सॉल्यूशन को ऐड करना है। द रिजल्टिंग मिक्सर इज टू बी द मोर देन 4%, जो रिजल्टिंग मिक्सर होगा मोर देन 4% बट लेस देन 6%, 4 और 6% के बिटवीन होगा। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, अगर 8% सॉल्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग दे रखा था उसके अंदर हम 640 लीटर ऐड करते हैं, तो हाउ मेनी लीटर 2% सॉल्यूशन में कितना मिक्सर आपको ऐड करना पड़ेगा। लेट एक्स लीटर ऑफ 2%,
क्या 2% बोरिक एसिड के अंदर x लीटर अपन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो एडिट द टोटल मिक्सर कितना होगा x प्लस 640 करना है पहले वाले के अंदर और x हम इसमें ऐड करा तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका x प्लस 640 लीटर। द रिजल्टिंग मिक्सर इज टू बी मोर देन, रिजल्टिंग मिक्सर रेंज क्या दे रखी 4 एंड 6 के बिटवीन, 4% एंड लेस देन 6%, 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, 2% x का और 8% कितना 640 का, ग्रेटर देन इक्वल टू 4% ऑफ x प्लस 640, ये तो ग्रेटर देन हो जाएगा और लेस देन कितना 6, वही सेम 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, लेस देन 6% ऑफ टोटल कितना x प्लस, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट है 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 लेस देन 4% ऑफ x प्लस 640, सेम इसी प्रकार है यहाँ लेस कीजिएगा लेस हो जाएगा परसेंट कितना हो जाएगा 6, सॉल्व करें इसको 2/100, परसेंट को रिमूव करने क्या करो 100 से डिवाइड, 2/100 x प्लस 8/100 640 ग्रेटर देन 4/100 x प्लस 640, सेम इसी मेथड से परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या करो 100 से डिवाइड, तो 2x प्लस 100 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 2x रहेगा यहाँ पर 8 को इससे मल्टीप्लाई करें कितना 5120, ग्रेटर देन 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करा 4x और 4 को इससे मल्टीप्लाई 2560, सब जगह से 100 क्या कर दिया डिवाइड रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 5120 लेस देन 6x प्लस 3840, 2x प्लस 5120 ग्रेटर देन 4x प्लस 2560, नंबर एक साइड में हो जाएगा 5120 माइनस 2560 ग्रेटर देन 4x माइनस 2x, इसी तरह ये भी इक्वेशन हो जाएगी सेम 6x माइनस का 2x, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2560 4x माइनस 2x कितना रहेगा 2x, इसमें जिसको माइनस करेंगे 1280 लेस देन कितना हो जाएगा 4x, x 2 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितना 1280 तो x इज लेस देन 1280 और इसको डिवाइड करेंगे 320 तो x इज ग्रेटर देन 320, जो x की वैल्यू जो होगी 320 से ग्रेटर होगी और 1280 से क्या होगी लेस देन, तो ये x का क्या रहेगा फाइनली सॉल्यूशन। थस द नंबर ऑफ द लीटर 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन दैट टू बी द एडेड वॉल हैव टू बी द मोर देन 320 लीटर, कितना होना चाहिए 320 लीटर ज़्यादा और लेस देन 1280 लीटर, लेस देन 1280 लीटर और मोर देन 320 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी द एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30%, रिजल्ट क्या होगा 25 से मोर और 30 से क्या होना चाहिए लेस, वॉल्यूम है एग्जिटिंग सॉल्यूशन 1125 लीटर, अमाउंट ऑफ एसिड इन 45% ऑफ 1125, अमाउंट ऑफ वाटर 55% ऑफ 1125, 55/100 मल्टीप्लाई 1125, लेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड बी x लीटर, क्या ऐड कर दिया x, टोटल पुराना कितना था 1125 ऐड कितना किया x लीटर, टोटल कितना हो जाए 1125 प्लस में क्या रहेगा आपका x, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1125 न्यू कौन सा होगा 1125 प्लस का x, अमाउंट ऑफ वाटर 55% ऑफ 1125% निकालने कितना आएगा 618.75 प्लस कितना हो जाएगा x, एसिड क्वांटिटी इसमें से इसको माइनस करेंगे 1125 माइनस 618.75 कितना रहेगा 506.25, इसमें से भी माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 506.25। नाउ गिवन दैट न्यू सॉल्यूशन विल कंटेन मोर देन कितना होना चाहिए 25% और लेस देन का मोर देन 25%, 25% ऑफ 1125 प्लस x इज इक्वल टू 506.25, सॉल्व करें 25/100 मल्टीप्लाई 1125 प्लस x इज इक्वल टू 506.25, कट किया 1/4 मल्टीप्लाई 1125 प्लस x 506.25, 4 से क्या करोगे आप डिवाइड 1125 प्लस x
506 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपको 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हुआ 2025, ये प्लस में क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, 2025 में से 1125 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 900, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 900। सेकंड क्या बोला था 25 और सेकंड क्या हुआ 30%, इसी को 30 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 506.25, 30% रिमूव करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10, 10/3 से क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू 1687.5 माइनस 1125, माइनस करने में रेंज कितनी आएगी 562.5, पहले कितनी थी 900, तो वैल्यू जो होगी वो कहाँ होगी 562.5 से लगाकर 900 की रेंज के बीच में, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 562.5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 900। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का 14, आई क्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100, वेयर एम ए इज द मेंटल एज, एम ए का मतलब मेंटल एज और सी ए का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, इफ 80 लेस देन इक्वल टू आई क्यू लेस देन इक्वल टू 140 फॉर द ग्रुप 12 ईयर ऑफ ऑल चिल्ड्रन फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज, एम ए की रेंज आपको क्या करनी है फाइंड, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100, करंट एज ऑफ चिल्ड्रन 12 ईयर, कितनी है 12 ईयर, तो सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, कैलकुलेटिंग मेंटल एज ऑफ आई क्यू 80 एंड आई क्यू कितनी है 140, आई क्यू की जगह कितना पुट करो पहले 80 और देन 140, आई क्यू कितना 80, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100, सी ए की कितनी है 12, 80, एम ए अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100, 80, 100, 12 और 100, 100 कहाँ हो जाएगा यहाँ पर एम ए, एम ए इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 को इससे मल्टीप्लाई करा 96/10, तो कितना होगा 9.6, एम की वैल्यू कितनी आएगी 9.6, इसी तरह यहाँ पर 80 की जगह कितना पुट करेंगे 140 इज इक्वल टू एम ए अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करने पर कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल, 12 को इससे मल्टीप्लाई करा 168/10, पॉइंट रिमूव करेंगे 16.8, एम ए की रेंज होगी 9.6 से ग्रेटर देन और 16.8 से लेस देन, तो दैट्स द रेंज ऑफ द मेंटल एज ऑफ द ग्रुप 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट चिल्ड्रन इज 9.6 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू 16.8। इसी के साथ हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 यहीं पर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।